हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और यहाँ हम साइंस एंड टेक में जानेंगे वेब 5.0 क्या है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर और बनाया था वेब 3.0 के बारे में, ये काफी न्यूज में था उस टाइम पर। वेब 3.0 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा जिसमें मैंने काफी डिटेल में बताया है वेब 3.0 के बारे में। इस लेक्चर में भी हम पढ़ेंगे वेब 1.0, 2.0, 3.0 और 5.0, और ये 3.0 से किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है, तो ये भी जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन भी आया था वेब 3.0 क्या है, ये लोगों ने नहीं पढ़ा था इसके बारे में, लोगों को पता ही नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा ये वर्ड क्या है। तो बेसिकली इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, पसंद आया तो इसको लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है इस बार का, 2022 का ये क्वेश्चन है, जिसमें ये था With reference to Web 3.0, consider the following statement. ये lecture के बाद आपको ये समझ भी आ जाएगा, ठीक है? Web 3.0 technology enables people to control their own data. Web 3.0 technology में people का खुद के data पर control होता है, पहला। दूसरा, in Web 3.0 world, there can be blockchain based social network, ठीक है? Blockchain based social network होता है, blockchain technology पर based है, क्या ये पूछा था। फिर उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था वो था वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रेदर देन कॉपरेशन। कलेक्टिवली यूज किया जाता है यूजर्स के द्वारा या एक कॉपरेशन के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। तो ये था, इनमें से आपको आंसर देना था। 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 3 और 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा, हालांकि इसमें सभी सही है तो मैं आपको समझा भी दूंगी। फिर आपके सामने एक और क्वेश्चन ये है, वेब 1.0 is read only web, 2.0 participative social web, 3.0 read write and executive web. इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे बोथ मैं आपको तीनों आएगा, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3, तीनों, ठीक है, और नन, ओके, ठीक है। इसके आंसर लास्ट तक आपको मिल जाएंगे, आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए, फॉर्मर ट्विटर सीईओ जैक डोर्सी से है, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया उनका विजन। उनका विजन क्या है, वो वेब 5.0 डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, फॉर अ न्यू डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म। एक नया डिसेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म होगा। अभी हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग के लिए वो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, वहां पे एक कोई पर्सन कुछ अपलोड करता है, बाकी सबके पास डेटा पहुंचता है, सेंट्रलाइज्ड है, इसको समझाएंगे। यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, 5.0 या 5.0, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो आप, ठीक है। इसका एम क्या है, टू रिटर्न ओनरशिप ऑफ डेटा एंड आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहाँ पर अभी सभी लोगों के सामने क्या है कि इंटरनेट तो हमें प्रोवाइड हो गया, नेट पे हमारा डेटा अपलोड है। यहाँ पे हमें क्या दिक्कत होती है कि हमारा डेटा कोई ले ना ले, ठीक है, हमारे डेटा पर किसी और का हक ना हो जाए। दूसरी चीज, आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, हमें यहाँ पे हम जो भी नेट पर अपलोड करते हैं, हमारी जो भी चीज होती है, या हम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम जो भी चीजें सर्च करते हैं, वो सारा थर्ड पार्टी कुकीज के पास पहुंच जाती है, किसी और पर्सन के पास। जैसे आपने देखा होगा, आप इंटरनेट पर, जैसे मान लीजिए अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर आप कोई चीज सर्च करते हैं, ठीक है, आपने कोई भी चीज सर्च की, आप देखोगे आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो आपको जो आपने सर्च किया वो आपको एड दिखाएंगे। तो ये कैसे होता है, आपने जो भी चीज नेट पे की है वो डेटा ये थर्ड पार्टी को की जो एड प्रोवाइडर है उनके पास पहुंच जाता है, और वहां से उनको पता चलता है कि इस पर्सन का इंटरेस्ट ये है क्योंकि इसने प्रीवियस टाइम में ये सर्च किया है। तो हमारा जो डेटा है वो उनके पास पहुंच रहा होता है, हम जो भी चीज सर्च कर रहे होते हैं वो दूसरों के पास पहुंच रही होती है। तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न आज की डेट में हमारा डेटा बाकी लोगों के पास, थर्ड पार्टी कुकीज के पास ना जाए, हमारी प्राइवेसी का कंसर्न है, तो हम ये कंसर्न है। तो यहाँ पे इन्होंने इसी को सॉर्ट करने की कोशिश की है। इनका एम क्या है, ओनरशिप ऑफ डेटा एंड आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये है, अब यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए 1.0, 2.0, 3.0 क्या होते हैं। वेब 1.0 जैसे आपने देखा था पहले विकिपीडिया, अभी भी चलता है विकिपीडिया, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, या बुक्स ले लो। पहले, सबसे पहले जब इंटरनेट आया तो फर्स्ट जनरेशन में आपके क्या है, स्टैटिक पेजेस आए थे, स्टैटिक पेजेस आए थे। सेकेंड जनरेशन में डायनेमिक पेजेस आए थे, स्टैटिक पेजेस में आपको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, बुक्स की तरह थे, जैसे आप विकिपीडिया को रीड कर सकते हो, एक दो लिंक्स है, इस लिंक पे क्लिक करोगे दूसरा पेज आ जाएगा, लेकिन स्टैटिक है, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, आप इसमें कुछ फीड नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो। कुछ एक पर्सन है, एक या दो पर्सन है, उनने यहाँ पे कुछ चीज अपलोड की विकिपीडिया पे, जैसे जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपलोड की, और बाकी सब लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं।
जैसे कि बुक प्रोवाइडर में ने बुक लिखी और आप उसको रीड कर रहे हो जैसा, ठीक है। कंटेंट इज सर्व्ड फ्रॉम द सर्वर्स फाइल सिस्टम, ठीक है। एक सर्वर फाइल सिस्टम होता है, उस सर्वर से ये अपलोड की जाती है और वो वहां पे सेव रहती है और आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पेजेस बिल्ट यूजिंग सर्वर साइड इंक्लूड्स और कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे सर्वर साइड पर पेजेस बिल्ट होते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक पेजेस होते हैं और उनके पास ही पूरा डेटा होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेब में, फर्स्ट जनरेशन में, वेब 1.0 में था, ठीक है। फ्रेम्स एंड टेबल्स आर यूज टू पोजिशन एंड अलाइन द एलिमेंट्स ऑन द पेज, मतलब इसमें बेसिकली पेजेस आपने विकिपीडिया देखा सेम उसी तरह का, टेबल्स होती है, ये सब चीज होता है, तो बेसिकली ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है वो इसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है, ठीक है, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा आया वेब 2.0, ये सेकेंड जनरेशन है। इसमें डायनामिक कंटेंट होता है, इंटरनेट पर डायनामिक कंटेंट अवेलेबल होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिव टू यूजर इनपुट। मतलब क्या है, जैसे हम कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे फेसबुक हो गया कोई भी, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, आपकी तरफ से भी इनपुट जा रहा है, वहां से तो आपको प्रोवाइड किया ही जा रहा है, सर्वर साइड से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे आपकी तरफ से भी जा रहा है, ठीक है, आपकी तरफ से भी कुछ कमेंट सजेशन जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली डायनामिक कंटेंट होता है यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन साइट ओनर एंड साइट यूजर। डायनामिक कंटेंट में जैसे स्टैटिक पेजेस में सिर्फ और सिर्फ आपके लिंक्स वगैरह या यही होंगी, यहाँ पे इमेजेस वगैरह ये सब भी आ जाती हैं, और साइट ओनर और साइट यूजर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, जैसे कि हमारा फेसबुक वगैरह पे मैसेजिंग वगैरह हम कर पाते हैं बाई मीन्स ऑफ एवेल्यूशन और ऑनलाइन कमेंटिंग, कमेंट वगैरह आप जैसे करते हो, तो ये बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों तरफ से फ्लो हो रहा है। ओके वेब 2.0 में आया, डेवलप्ड एपीआई टू अलाउ सेल्फ यूजेस सच एज बाय द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी काफी सारे आए इसमें, वेब एक्सेस लीड्स टू कंसर्न डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंटरनेट यूजर बेस टू अ वाइडर वेराइटी ऑफ यूजर्स। तो बहुत सारे यूजर्स जो है उनको एक्सेस मिल पाया, वो उस पर कलेक्टिवली एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर पाए। यहाँ पे 1.0 में क्या था, यहाँ पे एक ही कोई पर्सन है, एक ही कोई प्रोवाइडर है, सर्वर है, वहां से डेटा आ रहा है, कोई भी डेटा उसने पब्लिश कर दिया, कोई भी कंटेंट पब्लिश कर दिया। यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब के सब सिर्फ और सिर्फ रीड कर रहे हैं, बाकी सभी लोग रीड कर रहे हैं, ठीक है। यूजर जनरेटेड कंटेंट ही होगा ऑब्वियसली, कोई ना कोई तो उसमें होगा ही जनरेट कर रहा होगा, तो हम ही लोगों में से कोई एक पर्सन, 2%, 4%, एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की एक कंपनी होगी जो यहाँ पे कंटेंट डेवलप कर रही होगी और अपलोड कर रही होगी, बाकी सब देख रहे होंगे। 2.0 में क्या हुआ, 2.0 में अब इतने सारे लोग इसको देख रहे हैं, कुछ कलेक्टिव मतलब इतने कुछ लोग हैं जो इस कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, बाकी कमेंट वगैरह भी चल रहा है, तो ये 2.0 में टू वे हो गया, ज्यादा लोगों का इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आया 3.0। 3.0 में हमारे सामने कंसर्न था प्राइवेसी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, थर्ड वर्जन ऑफ द इंटरनेट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी ब्राउज, इंटरेक्ट सोशली और इवन शॉप ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो हम सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं और अच्छी तरह से, वाइल जो वेब 2 है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड ऑनलाइन इंटरेक्शन, जो वेब 3.0 हो था उसमें किस चीज पर इन्होंने फोकस किया है, इन्होंने पर्सनलाइजेशन पर फोकस किया है और कलेक्टिव ओनरशिप पर फोकस किया है और शेयरिंग ऑफ कंटेंट। मतलब बेसिकली आज जो आप नेट चलाते हो, या मैं बोलूँ ये जो वेब 3.0 है उसमें आपका जो डेटा है वो थर्ड पार्टी कुकीज के पास नहीं जाएगा, ठीक है, थर्ड पार्टी कुकीज के पास नहीं जाएगा ये डेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। वेब 2.0 में था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे पर्सनलाइजेशन पर ज्यादा फोकस किया गया है, एक पर्सन की ओनरशिप नहीं होगी। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उनका ओनरशिप, जैसे कि मैंने कुछ भी चीज अपलोड की यूट्यूब पे या फेसबुक पर, तो वहां पे वो डेटा जो है वो फेसबुक पे के पास आ गया, उनकी ओनरशिप हो गई, मेरी ओनरशिप उस पर खत्म हो गई। अब मेरा जो कंटेंट है उस पर दूसरे किसी पर्सन की ओनरशिप और वो एक्सेसिबल है, ठीक है। वहां पे मुझे अगर उसको डेटा को प्राइवेट करके रखना है, या मुझे डेटा को, तो बहुत सारे मुझे पासवर्ड्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3.0 में इसी बात का ध्यान रखा गया है, रीड राइट और एग्जीक्यूटिव वेब था, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन था, ये भी सही हो गया, ठीक है। और अपडेटेड वर्जन ऑफ द इंटरनेट विल मेक यूज ऑफ ब्लॉकचेन, यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जो कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन था ये वाला,
जो यूपीएससी में पूछा गया था उसका, तो ये भी सही है, ठीक है, तीनों सही थे उसके। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो आजकल बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे यूज होती है। तो इसके बारे में मैंने काफी सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है, तो आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख सकते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस एंड टेक के लेक्चर में ही मिल जाएगा, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफी कुछ जानने को मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी में क्या है कि कौन पर्सन क्या चीज अपलोड कर रहा है उसका एक्सेस एक तो मुश्किल है, उसको उसके बारे में पता नहीं चलता। दूसरी चीज क्या है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, ठीक है, अलाउ द इंटरनेट टू बी सपोर्टेड बाय डिसेंट्रलाइज। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आपने कुछ चीज अपलोड की, वो एक सेंट्रलाइज है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा चलाया जा रहा है, उनका उस पर ओनरशिप है। वो किसी दूसरे आप प्लेटफॉर्म को भी कर रहे हो, तो वहां से आपका थर्ड पार्टी कुकीज के पास इंफॉर्मेशन डेटा पहुंच जाएगा, वो आपको ऐड दे सकते हैं, तो वहीं पे क्या चीज हो गई, आपकी प्राइवेसी लीक हो गई। अब यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइज, एक किसी पर्सन का इस पर अधिकार नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। मतलब कि जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ एरर आ गई, ठीक है, उसमें कुछ एरर आ गई, तो वहां पर कोई भी डेटा, फिर जैसे फेसबुक में मान लीजिए एक दिन के लिए कोई एरर आ गई या यूट्यूब पर आ गई, तो आप कोई चीज एक्सेस फिर नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो कंटेंट कहाँ पे डाला हुआ है, यूट्यूब पे डाला है। अगर यूट्यूब पे ही प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप वो एक्सेस ही नहीं कर सकते। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, मेरा डेटा है, ठीक है, यूट्यूब में भले ही प्रॉब्लम आ गई लेकिन मेरा डेटा है, तो मैं अपनी तरफ से आपको भेज सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है किसी भी एक प्लेटफॉर्म के खराब होने पर या उस एंड पर कोई प्रॉब्लम आने से, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वेबसाइट ओनर्स विल नो लॉन्गर नीड टू डिपेंड ऑन सर्वर्स ओन, ठीक है, तो यहाँ पर सर्वर पर डिपेंड होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी किसी बिग कंपनी के जो सर्वर है, फेसबुक, यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो सभी, ठीक है, किसी एक के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, तो सभी जो प्लेटफॉर्म है उन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब तो यहाँ पे अगर हम कंबाइंड वे में देखें तो 1.0 में क्या था, स्टैटिक पेजेस थे, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते थे, और वेबसाइट्स वर क्रिएटेड ओनली ओनली टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, बुक्स की तरह आप उनको पढ़ सकते थे, ठीक है। 2.0 में क्या फीचर आया, आपके डायनेमिक पेजेस हो गए, ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकता है, कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, इंटरेक्टिव है, आप दूसरे लोगों से बातचीत कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो स्ट्रीमिंग फीचर भी यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये हो गया। 3.0 में क्या हुआ, किसी एक किसी की ओनरशिप नहीं होगी, ये चल रहा है, हालांकि 3.0 अभी आया नहीं है, ये पेज से वर्क नहीं कर रहा, तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा वो आप 2.0 पे काम कर रहे हो, ठीक है, और 3.0 भी धीरे 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 बहुत ज्यादा आने वाला है, ठीक है। 3.0 में क्या है, किसी भी एक उसकी ओनरशिप नहीं रहेगी, ठीक है, एनीवन कैन कंट्रीब्यूट, ठीक है, हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है। यूटिलाइजेस मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल एप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीपल एक एप्लीकेशन पे डाला हुआ है, मुझे जैसे मैंने मान लीजिए एक किसी एप्लीकेशन पे अपना डेटा डाल दिया, ठीक है, वो एप्लीकेशन मान लो बंद हो गया, जैसे पहले टिकटॉक बंद हो गया था, मेरा पूरा का पूरा डेटा वहां से खत्म हो जाएगा, या मुझे स्पेशली अपने मोबाइल में उसको सेव करना पड़ेगा तब ठीक रहेगा, नहीं तो वो डेटा पूरा डिलीट हो गया, वहां से चला गया। अब मुझे किसी और ऐप को चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा फिर से बनाना पड़ेगा, वो वाला डेटा मैं एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वो डेटा मेरे पास रहेगा, ठीक है, मेरे पास रहेगा तो फिर मैं किसी और एप्लीकेशन पर भी इसको डाल सकती हूँ, ठीक है। ओके, तो 3.0 के प्रोज एंड कॉन्स अगर हम पढ़ लें तो हमें 5.0 अच्छे समझ आएगा। ये मोर रिलायबल है, ठीक है, ये सेंट्रलाइज होता है जिसमें एक कोई आपका डेटा अपलोड करता है, बाकी सब उसको देखते हैं। डिसेंट्रलाइज में हर कोई ओनर होता है, ठीक है, एक किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना होता। और यहाँ पे इट विल बी ट्रूली फॉर एनी और एनीवन, ठीक है, हर किसी के लिए है ये, ठीक है, हर कोई इसको देख सकता है, हर किसी के लिए है, ठीक है। और इंक्रीज पर्सनलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, तो आपका पर्सनलाइजेशन बढ़ता है, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। वेब 3.0 विल हेल्प सेलर्स टू मार्केट बेटर, ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। और यहाँ पे तो सेलिंग वाला जो चीज है वो भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे अन इंटरप्टेड सर्विसेज भी प्रोवाइड होंगी, ठीक है। अन इंटरप्टेड कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी चीज है, जैसे कि यूट्यूब में अगर प्रॉब्लम आ गई तो आप उसमें मेरा डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अन इंटरप्टेड रहेगा, यूट्यूब में प्रॉब्लम आ गई तो भी मेरा डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। ओके, यहाँ पे ओनरशिप का कंसर्न है, कोई एक ओनर नहीं रहेगा तो किसी एक की जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी, ठीक है। अब जैसे अभी क्या है, किसी एक की जिम्मेदारी है तो गवर्नमेंट उसको फोर्स कर सकती है कि आप ऐसा डेटा मत डालो, ये डेटा डिलीट करो। अब यहाँ पे ओनरशिप का ही कोई इशू नहीं है तो कोई कैसा भी डेटा अपलोड कर रहा है तो वो एक इशू है, ठीक है। टफ टू रेगुलेट, अब रेगुलेट करना टफ है, गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कोई कैसा भी डेटा अपलोड कर रहा है, आप उसकी आइडेंटिटी भी नहीं पता कर पा रहे हो तो फिर यहाँ पे उसको रोक लगाना भी मुश्किल है, ठीक है। सर्फिंग वेब 3.0 विल रिक्वायर बेटर प्रोसेसर, ठीक है, यहाँ पे बेटर प्रोसेसर की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह बेस्ड है, ठीक है।
एग्जिस्टिंग वेबसाइट ओनर्स विल बी कंप्लीट टू अपग्रेड, ठीक है, उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो अभी वेबसाइट्स है उनको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा, अभी वेबसाइट वो है वो 3.2 पे नहीं चलेंगे, ठीक है। यूजर एक्सेस टू वंस पर्सनल एंड पब्लिक डेटा, अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी एक पर्सन का, अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक वेबसाइट पे आपका डेटा है, ठीक है, आपने पासवर्ड वगैरह लगा के रख दिया उसको, अब यहाँ पे क्या है किसी का भी पर्सनल और पब्लिक डेटा एक्सेस करना इजी रहेगा उसको, लेकिन उसमें एक पासवर्ड वगैरह ये सब प्रोवाइड होंगे, वो एक अच्छी चीज है, ठीक है। हैकिंग का तो खैर ब्लॉकचेन में बहुत मुश्किल होता है हैकिंग करना, ठीक है। तो ये है, अब बात आती है 5.0, ये 5.0 क्या है, तो यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए, 3.0 पे क्वेश्चन आया था तो 5.0 पे भी आ सकता है। 1, 2, 3 ये मैंने पूरा ऑलरेडी एक लेक्चर में बताया हुआ है, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको डेवलप कर रहे हैं डोर से बिटकॉइन बिजनेस यूनिट, ठीक है, ये डेवलप कर रहे हैं द ब्लॉक हेड, ठीक है, ये बेसिकली इसको डेवलप कर रहे हैं। तो अभी इनका एम क्या है, ये एन एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे 3.2 है वैसा ही बनाना चाह रहे हैं, उससे भी ज्यादा सिक्योर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है, तो एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब बनाना चाह रहे हैं दैट पुट्स यू इन कंट्रोल ऑफ योर डेटा एंड आइडेंटिटी, आपके डेटा पर आपका कंट्रोल हो पहली चीज तो, और आपकी आइडेंटिटी पर भी आपका कंट्रोल हो। आप अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाओ। अभी हम जो वेब 2.0 करते हैं उसमें क्या है, आइडेंटिटी हमारा जो हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारा जो पर्सनल डेटा है वो इजीली हैक हो जाता है, यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि वेब डेमोक्रेटाइज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बट इज मिसिंग अ की लेयर, ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज तो करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डेमोक्रेटाइज द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज करते हो, कमेंट वगैरह करते हो या चैटिंग करते हैं या कोई भी वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं वो सब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक की लेयर मिसिंग हुई, दैट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यहाँ पे मिसिंग होगी, जिस वजह से ये एक यहाँ पे इनका मेन जो फैक्टर है वो ये है। यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि हमारे जो पर्सनल डेटा है वो लीक होने का चांसेस होता है, हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट हमारे होते हैं और हंड्रेड्स ऑफ पासवर्ड्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, और वो सारे थर्ड पार्टी कुकीज के पास पहुंच जाते हैं, थर्ड पार्टी कुकीज में अगर पहुंच जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो उनके पास इतना बड़ा सा डेटा हो गया जो हमारे बारे में है, ठीक है, हमारे हम ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में इतना सारा डेटा उनके पास अवेलेबल हो गया, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्राइवेसी है वो बनी रहेगी। अब ये वेब 5.2, अगर मैं सीधी सीधी लैंग्वेज में बताऊँ ये क्या है, तो ये 2.0 + 3.0 है, 2.0 + 3.0, मतलब इसमें 2.0 की चीज भी है और 3.0 की चीज भी है, जिसमें लोगों को क्या फायदा हुआ, एक तो ओन देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी के खुद ओनर होंगे, दूसरा नहीं, जैसे अभी हमारी आइडेंटिटी का ओनर कौन हो गया, या तो आपका कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर भी आपने अपनी अपने जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो डाल रखे हैं वो, ठीक है, ऑन द इंटरनेट एंड कंट्रोल देयर डेटा, अपने डेटा पर खुद का कंट्रोल होगा, ठीक है। जो दोनों 3.2 और 5.2 है उनका मेन क्या है, यहाँ पर सेंसरशिप जो है उसका थ्रेट नहीं रहेगा, अभी क्या है गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है, गवर्नमेंट उन पर काफी सारे रेगुलेशन लगा सकती है, आप इस तरह का डेटा है वो डिलीट करो, जैसे यूट्यूब बहुत सारा डेटा डिलीट करता है, फेसबुक बहुत सारा, या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन पर रेगुलेट कर सकती है कि इस तरह के डेटा आप नहीं अपलोड करो, ठीक है, उनकी ओनरशिप है तो उन पर कर सकती है। यहाँ पर लोगों को क्या फायदा हुआ कि उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती सेंसरशिप से, का थ्रेट नहीं है उन पर, ठीक है, तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी टेक है वो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये सब और आपका जो डेटा उसका कट करने का भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन इसमें एक नेगेटिव चीज ये है कि अगर रेगुलेट नहीं कर पाएगी उस पर रोक लगाना अगर पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए, तो फिर तो कोई भी कैसा भी किसी के बारे में भी डेटा डाल रहा है वो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे अगर हम डिफरेंट की बात करें, मेन अगर डिफरेंस क्या है 5.0 और 3.0 में, तो यहाँ पे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है 3.0, यहाँ पे क्या है कि कुछ इसके जो यूजर हैं उनके द्वारा ओन है, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है वेरियस वेंचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट एंड लिमिटेड पार्टनर्स, मतलब ऐसा नहीं कि सबका डिसेंट्रलाइज है, पर पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है, हर किसी का हक नहीं है उस पर, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है उनके द्वारा पूरा का पूरा चल रहा है प्लेटफॉर्म। तो अगर हम पूरी तरह से देखें तो हमें पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, 5.0 जो होगा वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा। इसमें दो चीजें मेन है, एक तो आपकी आइडेंटिटी का कंट्रोल और दूसरी चीज आपके डेटा का, आप पर आपका खुद का कंट्रोल होगा आपके डेटा पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फ्यूचर को ये चेंज कर सकता है। तो कंट्रोल ऑफ आइडेंटिटी में अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, तो कोई जैसे एक पर्सन मान लेते हैं कोई राहुल है, वो उसका एक डिजिटल वॉलेट है, ठीक है,
जो सिक्योरली मैनेज किया जा करता है उसकी आइडेंटिटी, मतलब उसकी आइडेंटिटी उसमें सेफ है, ठीक है, उसका डेटा, उसका ऑथराइजेशन फॉर एक्सटर्नल एप्स एंड कनेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली उसने एक डिजिटल वॉलेट में अपना सारा का सारा डेटा फिट कर रखा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा है। अब वहां पे वो अपने वॉलेट में साइन इन कर सकता है, ठीक है, टू न्यू डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया ऐप, मतलब कि एक ऐप पर उसने अपना वॉलेट में सारा का सारा डेटा कर रखा है। अब मुझे किसी दूसरे ऐप पर अगर साइन इन करना है तो मैं पूरा कर सकती हूँ यहीं से ही, मुझे उसमें अलग से डेटा फीड करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बहुत सारे पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर मेरी जो आइडेंटिटी है वो भी सेव रहे, मतलब वो भी बेसिकली इस पर्सन को नहीं पता चलेगी, यहाँ पर भी आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज राहुल हैज कनेक्टेड टू द ऐप विथ डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी, ये डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी के थ्रू इस ऐप से कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे इसके पास कोई डेटा की प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेटा लीक होने की, ठीक है। ही हैज नो नीड टू क्रिएट अ प्रोफाइल, कोई प्रोफाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एंड ऑल द कनेक्शंस, रिलेशनशिप, पोस्ट, सब जो भी उसने अपलोड किया है वो सब उसके पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जो भी वहां पे स्टोर है वो सभी एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक ऐप बंद हो गई थी, ठीक है, तो पूरा का पूरा डेटा हमारा डिलीट हो गया, लेकिन हम दूसरी ऐप पर भी कर सकते हैं, हमारा वहां पे डेटा सेव रहेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, ये फायदा रहेगा, ओके, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? कंट्रोल ओवर देयर ओन डेटा, अपने डेटा पर कंट्रोल रहेगा। जैसे कि कोई एक पर्सन है वो म्यूजिक को पसंद करता है और वो क्या चाहता है कि पर्सनल डेटा जो है वो लॉक, ठीक है, हिट्स हैविंग हिज पर्सनल डेटा लॉक्ड टू अ सिंगल वेंडर। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक प्लेटफॉर्म पर म्यूजिक सुनती हूँ, ठीक है, मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर म्यूजिक सुन रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मेरा डेटा, मैं कहीं भी म्यूजिक सुनना चाहती हूँ तो जैसा मैं म्यूजिक चाहती हूँ वैसा मुझे सजेस्ट होने लगे, तो एक एक वेंडर पर मैं अपना डेटा लॉक करना नहीं चाह रही। इस वजह से क्या हो रहा है, मुझे बार बार अपनी प्लेलिस्ट वगैरह जो है उसको देखना पड़ेगा, ओवर एंड ओवर अगेन मुझे डिफरेंट म्यूजिक एप्स पे वो चीज़ सेव करनी पड़ेगी, तो मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या एक तरीका है, यहाँ पे ये यह है कि डिसेंट्रलाइज वेब नोड होगा, उस पर उसका वो जो डेटा है, ये जो डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा वहाँ पे रहेगा, डेटा रहेगा, उस वजह से क्या होगा, डेटा अगर रहेगा तो पता चल जाएगा किस तरह की पसंद है, कैसी प्रेफरेंस है, किस तरह की, बार बार उसको सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमें एक ऐप पे हमने सेटिंग कर ली, हम इस तरह का म्यूजिक सुनना चाहते हैं, उस पर तो वो दिखा रहा है, दूसरी ऐप पर वो दिक्कत है, दूसरी ऐप पर फिर से सेटिंग करो, तो यहाँ पर एक ऐप पे आपने सेटिंग कर ली तो आपको आपका पूरा का पूरा जो डेटा है वो सेव रहेगा। डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का फायदा ये कि किसी भी एक पर्सन के पास नहीं, उसका अधिकार नहीं है मेरी इस चीज पर, डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, तो वो इसका कुछ नहीं कर सकता, और मैं दूसरी ऐप पर भी आसानी से लॉग इन करके और आसानी से जो भी चीज सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये डेटा जो है वो भी कहीं नहीं जा रहा है, और हम जैसी चीज चाह रहे हैं वैसा हमें मिल भी जा रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं 5.0 में, जो 3.0 जैसा है बट उससे कुछ डिफरेंट है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। अब आपको समझ ही आ गया हो, वापस उन क्वेश्चन को लगाइए और ये बताइए उसकी आंसर क्या है, ठीक है। तो वहां पे फर्स्ट का मैंने आपको बता ही दिया था जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, दूसरे का आप मुझे बताएगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, और पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।